नोएडा की सेक्टर 39 पुलिस ने शनिवार को क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर एक फ्लैट से 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऐप के जरिए यह काम करते थे। इनके कब्जे से 3,89,000 रुपये भारतीय करेंसी और करीब 4,00,000 रुपये डॉलर, दिरहम, मलेशिया, ओमान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर व थाईलैंड की करेंसी मिली है। इनके करीब 11 बैंक खाते मिले हैं जिसमें 11,00,000 रुपये हैं। इनको फ्रीज किया जा रहा है। इस गिरोह का दुबई कनेक्शन मिला है जिसकी जाँच की जा रही है। डीसीपी हरीश चंद्र ने बताया कि ये लोग नोएडा के सेक्टर 100 में लोटस वुलवर्ड सोसाइटी में किराए के मकान से ऑनलाइन बैटिंग और सट्टा खिलवा रहे थे। इन्होंने ये फ्लैट 50,000 रुपये मासिक किराए पर लिया था। इनकी पहचान गौरव गुप्ता निवासी दिल्ली, नितिन निवासी गाजियाबाद, अजीत सिंह और दिनेश गर्ग के रूप में हुई है। इनके कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक, पासपोर्ट, सिम, पासबुक, असेंबली लाइन बुकी, 2 चार पहिया कार मिले हैं। डीसीपी ने बताया कि गौरव गुप्ता, दिनेश गर्ग व अजीत सोहेल इसी साल अप्रैल मई में आईपीएल क्रिकेट के दौरान दुबई गए थे। दुबई के पास भेड़ा नामक जगह पर किराए का कमरा लेकर आईपीएल में इसी तरह लगभग 45 दिन सट्टे का काम किया जिसमें इनको मोटा मुनाफा हुआ था। दुबई जाने के कारण यह था कि इस कार्य को दुबई में आसानी से अंजाम दिया जाता है। इनके पास से फर्जी आधार और 4 पासपोर्ट मिले हैं। इन्हीं आधार कार्ड से ये सिम खरीदते थे ताकि पकड़े न जाएं, साथ ही कोई इन तक न पहुंच सके। फ्लैट के अंदर अपने सट्टे का कारोबार करते थे। इनके खाने पीने का राशन बाहर से उपलब्ध कराया जाता था ताकि आसपास के लोगों को इन पर शक न हो। आधार कार्ड मिला है, आधार कार्ड मिला है, इसके पास से 4 पासपोर्ट मिले हैं, फॉरेन करेंसीज मिली है, हम फॉरेन करेंसी एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे और जो पासपोर्ट्स मिले हैं उसके तहत। सर टोटल अमाउंट कितने मिले सर? टोटल अमाउंट कितने मिले सर? 4,00,000 रुपए कैश है इंडियन करेंसी, 7-8,00,000 रुपए फॉरेन करेंसी का है और 12,00,000 11 से 12,00,000 रुपए जो अकाउंट फ्रीज कराए। अभी जो नोएडा में काम कर रहा था ये फ्लैट के अंदर ही कर रहा था। सर इनके अलावा कोई और भी चाल के अलावा कोई? अभी ये जांच का विषय है क्योंकि ये ऑनलाइन जुड़े हुए थे जूम के माध्यम से, तो इनके जो और कनेक्शन है हो सकता है फॉरन कनेक्शन भी उसको मिलने। क्लाइंटों से संपर्क कैसे करते हैं? क्लाइंटों से संपर्क कैसे करते? ये जूम ऐप के माध्यम से, इनके पास 2 एप्स हैं, उस ऐप से जो है ये लोगों से जुड़ते थे, रेनाउंड है ये उस फील्ड में, जानते हैं लोग। आप लोग दुबई कनेक्शन में तलाशेंगे? इसमें सभी तरह का कनेक्शन।